भारत की तरक्की से जलने वाले लोग इस वीडियो को डिसलाइक करके अभी छोड़ सकते हैं, बाकी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके भारतीय कंपनियों को धन्यवाद जरूर कहिएगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने आज एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है। भारत में तैयार की गई टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि आने वाले समय में देश के अंदर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के होम कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें भारत के एक बहुत बड़े प्लेयर ने एंट्री कर ली है, और ना सिर्फ एंट्री की है बल्कि अपने कंस्ट्रक्शन को भी शुरू कर दिया है। मेन खबर यह है कि भारतीय कंपनी L&T अब 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी पर काफी बड़े स्केल पर काम करना शुरू कर चुकी है, जहां पर L&T बेंगलुरु के अंदर देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाने का काम शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 1100 स्क्वायर फीट के अंदर इस पोस्ट ऑफिस को बनाकर के तैयार किया जाएगा, और जो कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से 30-40% कम कॉस्ट पर तैयार किया जाएगा। इस पूरे पोस्ट ऑफिस को बनाने में करीबन 23 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन अगर इसी कंस्ट्रक्शन को नॉर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तो इसको बनाने में करीबन 50-60 लाख रुपए का खर्च आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी कर्नाटका में 400 से भी ज्यादा अधिक लोकेशंस पर ऐसे ही 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाने का काम शुरू करेगी। फिलहाल जिस पोस्ट ऑफिस को बनाकर के तैयार किया जा रहा है, इसे बनने में 1 महीने का वक्त लगेगा। इसके पूरे डिजाइन एंड मटेरियल को तैयार करने में 15 दिनों का वक्त लगता है, बाकी 15 दिन के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया जाता है। इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कैसे IIT हैदराबाद ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप ब्रिज को भी बनाकर के तैयार कर लिया है। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये कोई स्मॉल प्रोटोटाइप नहीं है बल्कि काफी हैवी लोड कैपेसिटी वाला प्रोटोटाइप है। तस्वीरों के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है, इस ब्रिज पर कितने लोग बैठे हुए हैं, और इसी चेन को और ज्यादा मल्टीप्लाई करते हुए भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस को भी तैयार किया जा चुका है IIT मद्रास के स्टार्टअप तवासा की तरफ से। करीबन 600 स्क्वायर फीट के अंदर इस हाउस को बनाकर के तैयार किया गया है, जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो भी 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, इनमें 30-40% नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में कॉस्ट कम आती है, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन होते ही इसमें 50-60% तक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑलरेडी कई कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी बड़े स्केल पर काम कर रही है, और अब भारत ने भी इसमें न सिर्फ रिसर्च बल्कि एक्चुअल ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया है। ये वाकई देश के लिए एक प्राउड वाली बात है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।